अयोध्या में प्रेस वार्ता का आयोजन किया और विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल मॉडल के ऊपर ही सारी पार्टियां वोट मांग रही हैं। कल पश्चिम बंगाल में गृहमंत्री अमित शाह जी ने पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए चुनावी वादा किया है कि अगर वो सत्ता में आए तो वहां पे 200 यूनिट तक बिजली फ्री देंगे। केरल में भी भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया है कि अगर वो वहां सत्ता में आए तो फ्री ट्रांसपोर्ट करेंगे महिलाओं के लिए। तमिलनाडु में भी चुनावी वादे इन्होंने किए हैं कि जो दिल्ली में काम हो रहे हैं उसी तरह के चुनावी वादे इन्होंने तमिलनाडु में किए हैं। परसों प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्रियों के साथ में कोरोना अपडेट पर रिव्यू कर रहे थे और वहां उन्होंने होम आइसोलेशन को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ा हथियार बताया। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन ही कोरोना से लड़ने में, कोरोना के मैनेजमेंट में सबसे कारगर हथियार साबित हुआ है अभी तक। उन्होंने कहा कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स अब पूरे देश में बनाए जाने की जरूरत है। पिछले दिनों में देख रहा था कि असम में प्रचार करते हुए कांग्रेस की लीडर प्रियंका गांधी जी ने भी वहां फ्री बिजली का वादा किया है। पंजाब में मैंने देखा कि वहां के कांग्रेस के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने ऐलान कर दिया है कि महिलाओं के लिए सरकारी बसें फ्री होंगी दिल्ली की तर्ज पर। वो अलग बात है कि वहां की सड़कों पर सरकारी बसें हैं नहीं, पर उन्होंने वहां ऐलान कर दिया है। तो कुल मिला के मैं देख रहा हूं कि खासतौर से भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को भी, कि देश में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वो अरविंद केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को लेकर चुनाव लड़ रही है। वो आज भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस जहां भी चुनाव लड़ रहे हैं केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए अच्छी बात है, देश के लिए अच्छी बात है। हम इसे देश के राजनीति के लिए और देश के विकास के लिए एक अच्छा संकेत देखते हैं। ये इस बात को साबित करता है कि अरविंद केजरीवाल जी ही केवल और केवल एक ऐसे नेता हैं जिनके पास देश को लेकर विजन है। आज अरविंद केजरीवाल जी ही ऐसे नेता हैं जिनके पास देश के आम आदमी की जरूरतों की समझ है, उसको क्या चाहिए, उसके जीवन में क्या तकलीफ है, उसका विकास कैसे हो सकता है, देश के आम आदमी का और देश का विकास कैसे हो सकता है, इसकी सबसे कारगर और सबसे सटीक योजनाएं केवल और केवल देश में अरविंद केजरीवाल जी के पास में है। देश को सही दिशा में ले जाने के लिए आज दिल्ली की जो सरकार काम कर रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार, वही लीडरशिप है जो डेवलपमेंट लीडरशिप का जो मॉडल केजरीवाल मॉडल से निकल के आ रहा है। आज ये देख के खुशी हो रही है कि बाकी पार्टियां उसको फॉलो करती दिख रही हैं और भारतीय जनता पार्टी जहां भी सत्ता में आने का सपना देख रही है उसी मॉडल को जनता के सामने रख रही है, उसी मॉडल के नाम पे वोट मांग रही है। अरविंद केजरीवाल जी देश के लिए सोचते हैं, देश के लोगों के भले के लिए सोचते हैं और उनकी सबसे खास बात यह है लेकिन कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। आज दिल्ली में जो भी काम हो रहे हैं गवर्नेंस को लेकर, दिल्ली के आम आदमी को लेकर, उनके बेस पे कह सकते हैं कि आज दिल्ली देश भर में विकास के नए नए प्रयोगों की एक प्रयोगशाला बन गई है। यहां से विकास के, डेवलपमेंट के नए नए प्रयोग हो रहे हैं।